आज क्या बना रही हूँ आप लोग देखिए। हर एक दिन अलग अलग रेसिपी बनाती हूँ, वो मैं डालती रहती हूँ। कभी शॉर्ट्स डाल देती हूँ, कभी वीडियो डाल देती हूँ। घिया और चने का दाल बना रही हूँ, बिल्कुल अलग तरीके से, सिंपल, कोई झंझट नहीं। आप सुबह भी बना सकते हैं, बच्चे के लंच में भी दे सकते हैं, इसे किसी भी टाइम आप खा सकते हैं। चपाती, पराठा, चावल इस तरह से पीसेस भी मैंने काट लिया और दाल को मैंने भिंगो दिया 3-4 घंटे के लिए। बिल्कुल तेल में, सरसों के तेल में मैंने हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डाल के फ्राई कर लिया इनको, दोनों को भून लिया। कच्चा सीटी बिल्कुल ना लगाएं, अच्छे तरह से इसको भून लें, अच्छे तरह से इसे मिला मिला के भून ले इसको। भूनने के बाद देखिए ऐसे कलर आ रहा है। फिर मैंने इसमें गर्म पानी डाला, डाल के 2 सीटी लगाई बस। और इसके लिए मसाला तैयार करी हूँ मैं, टमाटर, अदरक। अब देखिए मैं क्या डाल रही हूँ इसमें। अदरक, टमाटर, मैंने 2 टमाटर लिया है, अदरक छोटे साइज के 2 टमाटर लिए हैं और अदरक 1 इंच अदरक, धनिया पाउडर, हल्की लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, बस और कुछ नहीं डालना। अच्छे तरह से मसाला को पेस्ट कर लें, फिर इसको तेल में अच्छे तरह से फ्राई कर लें। देख लीजिए मैं किस तरह से फ्राई कर रही हूँ इसे। और मैंने इसमें क्या डाला है, बस तड़के में जीरा और लाल मिर्च डाली हूँ, साबुत और कुछ भी नहीं डाला मैंने। बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में। आप बेझिझक होकर बना सकते हैं इसको। और जो मैंने सीटी लगाया था वो इसमें तेल ऊपर आते ही मैंने ये घिया और चने का दाल डाल दिया। अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें इसको। देख लीजिए किस तरह से मैं मिला रही हूँ इसको। मिलाने के बाद 2 उबाल आने दें इसमें। आप किस तरह का गाढ़ा रखना चाहते हैं या पतला रखना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से घर में कैसे पसंद करते हैं, इस तरह से आप इसमें पानी रखें। और मैंने खूब सारा डाला धनिया, जो कि इसको खाने में और स्वाद बढ़ाएगा। अगर आप इसमें कुछ डालना चाहते हैं तो बटर डाल दीजिए या घी डाल दीजिए, और कुछ नहीं डालना। ये हमारा बनके हो गया तैयार, चना घिया का दाल। बहुत अच्छा रेसिपी है ये, बिल्कुल सिंपल है और बन भी बहुत जल्दी जाता है। और साइड में मैं बना रही हूँ चपाती।